तो कैसे हो मैं जीरो के छोड़ो, आशा करता हूँ ठीक होंगे। और नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको मेरे जैसा फ़ोटो एडिट करने का सिखा रहा हूँ आप लोगों को, फुल HD में। सबसे आसान तरीका से सिखाऊंगा जो आप लोगों को काफ़ी समझ में आए, और कोई छिपाने का बात नहीं है। जो मैं रियल फ़ोटो बनाता हूँ उसी तरह का मैं आपको फ़ोटो बनाऊंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं ऐप की ओर। फर्स्ट ऐप आपका स्नैपचैट में फ़ोटो को ले जाना है, ठीक है दोस्तों। मैं अपना फ़ोटो ले जाता हूँ अपने स्नैपचैट में, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं देख रहे हैं आप मेरा फ़ोटो कितना खराब है दोस्तों, इसको मैं इस तरह का फ़ोटो बनाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से देखिएगा, आप वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि फुल देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको अपने ऐप में ले आते हैं। तो दोस्तों इसको फर्स्ट आपको कलर लोकेशन मिलाना है, दोस्तों इसको एक किस्म करना है दोस्तों आप लोग, इसके लिए आपको स्नैपचैट में जाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो आ गया मैं अपने स्नैपचैट में, ठीक है दोस्तों। और टूल्स में जाना है दोस्तों, और टूल इमेज जो देख रहे हैं आप, टूल इमेज जाना है इसको। और मैं देख आप गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, और रखते हैं ऐप की ओर, ठीक है दोस्तों। आपको एविडेंस बनाना है पूरा 100 कर दीजिएगा, 100 सॉरी दोस्तों, फिर से जाना है इसमें, और देखिए बढ़िया से इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। फिर जाएगा हाईलाइट को इतना कर लीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और चले चले टाइप को देखिएगा दोस्तों, इस पर कर दीजिएगा इसे गोल करके, जहाँ ब्लैक है उसको बुरा कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाथ पे मेरा देखिए ब्लैक है, ठीक है ब्लैक, चलिए ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद मेरे यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा पिंपल, हिल कहाँ है, हिलिंग में जाना है, ठीक है दोस्तों। तो हटा देना, ठीक है दोस्तों, हट गया, चलिए दोस्तों ओके कर दीजिए, ठीक है दोस्तों हो गया। डिटेल्स में जाना है, थोड़ा डिटेल्स फेस पर दे देना है, चाक वो भी बढ़ा देना है, ओके। और शॉर्ट पर जाके फ्लेवर से कर देना है, सिलेक्शन बढ़ा देना है, और इसको उठा देना, क्योंकि लाइट इसके मतलब सर पे लाइट आ जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए ये इसमें इतना करना है सर, और देखिए मेरा फेस मतलब एक किस्म कर देना है पूरा, ठीक है दोस्तों। आपको खाली अपना फेस को देखना है एक किस्म है कि नहीं, एक किस्म होने के बाद आपको इसको शेयर कर देना है लाइट रूम ऐप में, ठीक है दोस्तों। सुने लाइट रूम ऐप में शेयर कर देते हैं, यहाँ से जाना है शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। लाइट रूम को ऑन करना है, ठीक है दोस्तों। फोन मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों। और फेस को आप वाइट कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका है दोस्तों, गौर से देखिएगा और अच्छी तरीके से सीखिएगा, ठीक है। लाइट में जाना है, लाइट को ठीक कर देना है, ब्लैक को देखिएगा उठा के, देखिए सर ब्लैक उठाने से कितना फोटो फ्रेश हो रहा है, हो रहा है ना। अपने फोटो के हिसाब से आप ब्लैक उठाइएगा, ठीक है। और वाइट को देखिए, वाइट को मैंने करके देखिएगा थोड़ा, ठीक है दोस्तों। शैडो को 100 कीजिएगा, 100 नहीं की कम से कम 35 के आसपास, 43 कर दीजिए, ठीक है। हाईलाइट को फुल 100 कर दीजिएगा, कॉन्ट्रेक्स्ट को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब कलर में जाना है, अब कलर में जाके मिक्स कलर मिक्स में जाना है। अब देखिए अब फेस को कैसे वाइट करते हैं, फेस को गोरा कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। दो नंबर कलर मिक्स में जाना है, जो आपको दिख रहा है उसमें जाना है, इसको दो नंबर वाला को माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए गौर से, और -4 कर लेना है, उसके बाद देखिए नीचे वाले को देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, वाइट हो गया मेरा फेस, वाइट हो रहा है दोस्त पूरा ना, ठीक है दोस्तों। अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ओनली फेस के लिए है, ठीक है। इसको जाना है कलर में सबसे फर्स्ट वाला में, ऊपर वाले को बीच वाले कितना कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करना है बैकग्राउंड बनाने के लिए दोस्तों, सिलेक्शन को सीधा कर दीजिएगा, ठीक है।
100 माइनस में कर दीजिएगा और इसको उठा दीजिएगा ऊपर वाले को, ही को ब्लू वाला में जाना है उसको भी उठा देना है, आपको देख लेना है इतना नीचे वाले को उतना ऐसे कर देना, देखिए दोस्तों कितना काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, मैं देखिए देखिए मेरा साथ क्या कलर है, ब्लू, ब्लू को नीचे वाले को उठा देना, ब्लू हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको भी ऐसे कर दीजिएगा, इसको इतना कर दीजिएगा दोनों को, ओके दोस्तों, इसको डन कर दीजिएगा। डन के बाद इफेक्ट में जाना है, इसमें इसको माइनस कर देना है, ठीक है दोस्तों, माइनस कर देना है, रिएक्टिंग को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, और इसको इतना बढ़ा देना है, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स ऊपर जाना है, इसको सैफ्रनी को बढ़ा देना है, डिटेल्स को पूरा बढ़ा देना है, स्मूथ वाला को बढ़ा देना है, कंटिन्यू को बढ़ा, क्योंकि जहाँ से रेट आया उसको हटा देगा, कलर नॉइज नोवेशन को बढ़ा देना है, इसको 100 कर देना नीचे वाले को दोनों को, और इसको जरूर कीजिएगा क्योंकि वो फोटो के एच डी करता है, दोनों को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इतना मेरा काम हो गया है, मतलब आधा फोटो बन गया है, ठीक है दोस्तों। और इसको अब ले चलना है स्मूथ वाला में, स्मूथ करने के लिए ले चलना है, तो उसको ऑटो ब्रश में हम लोग ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ शेयर कर दीजिएगा, यहाँ से शेयर कर दीजिएगा, कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आ गया मेरा फोटो, ठीक है, और देखिए इसमें आपको स्मूथ करने नहीं आता है तो मेरा वीडियो है स्मूथ का, उसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को पता ही होगा, RSR जोन है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको कॉपी कर लेना है, आपको कॉपी कर लेना है, कभी भी स्मूथ कीजिएगा तो फोटो को जूम कर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ले लीजिएगा, टूल्स में जाइएगा, यहाँ से ले लीजिएगा दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ अपने फ़ोटो में ऐसा ब्रश यूज़ करता हूँ, इसको पूरा जीरो रहना चाहिए दोस्तों, मेरा सेटिंग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। कर देना है, जूम करना है फोटो को, ये गोल वाला देख रहे हैं इसको ऐसे करना है, इतना पर जितना फेस उतना कर लेना है, बस इसको ऐसे करना है, देख रहे हो दोस्तों कितना का बेहतरीन स्मूथ हो रहा है दोस्तों। जूम करके कर लेना है थोड़ा, इसको फास्ट कर लेते हैं आप स्मूथ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मेरा फोटो स्मूथ हो गया है, और इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना है दोस्तों, तभी आप इस तरह का वीडियो फोटो बना सकते हैं मेरे जैसा, देखिए मेरे जैसा इस तरह का फ़ोटो भी बता रहा हूँ आपको बनाने का, बड़ो के सैड फोटो एडिटिंग सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐप में चलते हैं, फ़ोटो को काट लेते हैं अपना, ठीक है दोस्तों। काटने के लिए आपको अगर बैकग्राउंड काटने नहीं आता होगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, बोलिए कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं अपना फ़ोटो काट लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। बैकग्राउंड में ऑलरेडी मैं काट के रखा हूँ उसको, अब बैकग्राउंड को ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड है दोस्तों, कटेंगे ऑटो डेस्क में, देखिए बैकग्राउंड को ऑटो डेस्क कर दिया, अब बैकग्राउंड जो काटे हैं फोटो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप डॉक पेंट में मेरा फोटो है, यहाँ पर बैकग्राउंड वो ऐड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ऐड कर लिए, और जो PNG हमने लगाया है वो आपको वो डालते हैं, ठीक है दोस्तों, वो भी सेट कर देते हैं, ठीक है। जो भी PNG मैं ऐड किया हूँ वो बोला ऐड कर दूंगा, ये वाली है और ये वाली है, तो बढ़िया से मैं अपने हाथ में बैठा दूंगा इसको, और इसको करके ये वाली को इस पर कर देना है, कर देना ब्रोकन वाले को नीचे कर लेना है दोस्तों, गले को जरा कर देना है, ठीक है दोस्तों।
हो गया, और जो मेरा दिल पे लगा हुआ ब्रोकन हार्ट, जो टूटा हुआ दिल है, उसको ले लेंगे दोस्तों, छोटा कर लेंगे, दिल से लगा देंगे आपको, फिर स्कैन कर लेंगे, और अगर आप दिल है जो टूटा हुआ उसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, और सबको मर्ज कर लीजिएगा, मर्ज कर लीजिएगा दोस्तों, देखिए फोटो काफी, और इसको काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसको अब लाइट रूम में फिर से ले चलेंगे, ठीक है, फोटो को सेव कर लेते हैं, फोटो से ले लेना है, ये दोस्तों देखिएगा दोस्तों कैसे मैं अपना फोटो को, ठीक है दोस्तों, देखिए कट आ गया दोस्तों, कट में जाना है, मिक्स में जाना है, और इसको क्यू को पूरा 100 कर देना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए फोटो दोस्तों, आप लोगों को मेरा फोटो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों, फाइनली मेरा फोटो बन गया है दोस्तों, आप लोगों का फोटो मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।